देख लो भैया कैंप है, ये है किचन एरिया। 1 2 3 तो गाइस मैं कूदने वाला हूँ। आज है बाबा की उगाड़ करके पुल बना रखा। अभी इसमें नहाए थे हम। स्नैक्स लग चुके हैं यहाँ पर। ओए लो 500 में मेरी मम्मी। सो भाई स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं रोहित और मैं हूँ अभी जोगियाना में। जोगियाना ये ऋषिकेश के अंदर ही पड़ता है वैसे तो, और अगर वो बात करूँ तो ये थोड़ा गढ़वाल जिला लग जाता है शायद। बाकी ये कैंप है हमारा, अभी कैंप दिखाते हैं आपको। अभी तो बिखरा हुआ है पूरा। तो ये एक बेड था, एक बेड यहाँ है, दो बेड यहाँ है जहाँ पर हम बैठे हैं, ये देख लो। और बढ़िया सिस्टम था, एक पंखा लग रखा है, ट्यूबलाइट है, चार्जिंग सॉकेट दे रखे हैं। इधर है आपका कूलर। कूलर लगने के बाद भाई साहब एसी की कमी पूरी हो जाती है, भगवान कसम बहुत कड़ी ठंड है। ये वॉशरूम है इधर, ये देख लो, ये है वॉशरूम, तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे लड़के हमारे, और देख लो भाई ये कैंप है, बाहर की तरफ से भी दिखा दूँ तो ये देख लो। इस कैंप में देखो ये लोगों ने आदम मचा रखी है, पूरा स्विमिंग पूल अदर उठा रखा है। ये पूरा कैंप है, वो वाला हमारा है। और इनकी हरकतें देखो, इनकी हरकतें दिखाऊं। 1 2 3 अरे कूद रहा, आ जा। भाई साहब पागल हो गए लड़के कसम से। एक तो सबसे अच्छी चीज ये है कि ठंडा पानी है, बिल्कुल कोल्ड वाटर है भाई साहब, बहुत जबरदस्त, एक नंबर है, मतलब बिल्कुल ठंडा है, क्या ही बताऊं, मजा आ गया, गर्मी में स्वाद आ गया, एक नंबर। और ये जो जगह है, इस जगह का नाम है जोगियाना। बाकी रही बात कैंप्स की, तो कैंप्स की डिटेल भी मैं इसी वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना आप। तो गाइस मैं कूदने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो चालू कर दे। हाँ कर दी, मैं भी नहा रहा हूँ। ए देखो कूद क्या था। ओए इधर इधर ला, इधर दे भाई, इधर दे, इधर दे, बड़ा होता ना भी लोग। हाँ जय बाबा। ये हुर्रे भाई, तो पागल हो गए। एक दो भाई पूरा बाइक बना दे। तो भाई इन तीनों के अंदर कंपटीशन हो रहा है, कौन पहले ऊपर आएगा। चलो भाई हो जाओ स्टार्ट। आ जा। मेरे बारे में करना ना भाई, पहले ही आया इन दोनों में से, ये आया पहले ऊपर। मैं देखता हूँ अभी उनका। ओ रुक जा भाई, ये होलिया बावड़े देखो। आ जा बाबा की। अरे भाई गुटलू पड़ रहा, देखो इतना सारा पानी है, डुबड़ पानी दिखाओ तो। मैंने डुबड़ पानी देखो। अपने आप लाइए दैया यहाँ पे, मेरे को अपने आप ला भाई। इनने इसका सहारा ले रखा है, डुबड़ पानी मेरे को। बाकी भाई टोटल मिला के बात करो तो स्वाद आ रहे, एक नंबर मजा आ रहा है। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी थी कसम से, इतना भबका उठ रहा था, बहुत गंदे वाला भबका उठ रहा था। और जिनके कैंप में हम है ना, ये अपने भाई हैं, टोनी नाम है इनका, और जो कैंप का नाम है हिमालयन मेजेस्टिक कैंप, तो इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। बाकी इनको देखो कैसे बावले हो रखे हैं ये। ये ऐसा लग रहा है साला, ये तो इसको तो कभी जिंदगी में पानी देखा ही नहीं इसने। ये कैंप है यहाँ पर, बहुत बढ़िया प्लेस है, बढ़िया प्लेस है। ऋषिकेश से 20 किलोमीटर आगे है ये, और ये स्विमिंग पूल है, और ये हमारा कैबिन है। सो भाई नहाना धोना अपना हो गया है स्विमिंग पूल में, और एक प्यारी सी नींद भी ले ली हमने, अपना नींद भी पूरी हो गई है। अब थोड़ा बाहर की तरफ आए हैं, इस साइड से हम आए थे, जाए गाड़ी जा रही है, यहाँ से हमारी गाड़ी आई थी। और ये सारे कैंप है, हमारा कैंप है अंदर, जिसका नाम है हिमालयन मेजेस्टिक। और अभी ये नए वाले बने हैं, ये कॉटेज टाइप होते हैं ना, ये नए बने हैं। बाकी भाई माहौल तो पूरा हैपनिंग सा हो रखा अभी, और जैसे जैसे रात होती रहेगी, और सब बाबा की हवा चली है नी, हवा बहुत सही चली है। बाकी ये अपने कैंप है भाई, अभी वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, टाइम पास करेंगे, क्योंकि शाम का टाइम है, धूप बहुत ही दिन में तो, बट अब ठीक है।
तो मैं यहाँ पे पहुँचा तो मेरे को यहाँ पे कुछ आंटियाँ नज़र आई। देखते हैं यहाँ पे आंटियाँ क्या कर रही है। आंटियों से पूछते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा ये यहाँ पे भी देखो पानी है। इस तरीक़े से कुछ पानी है, पानी बहता हुआ। यहाँ से कुछ इस तरीका का व्यू है भाई। क्या मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का, क्या मज़ा है, देखता जा रहा है। तो भाई ऐसा कुछ माहौल है, देखो ये छोटी सी एक नदी बह रही है यहाँ, और ऐसे ये जुगाड़ करके पुल बना रखा है। ये पुल जो बना रखा अपना कैंप अंदर की तरफ है, ये देखो। हाँ तुमने वह बहुत बड़ी नदी पार कर ली। मछली है के भाई साहब, मछली पकड़ रहे बताइए। मछली है मछली पकड़ रहे साले पागल। वो नीचे झुका, उन्हें नीचे पत्थर मार दिया। बाकी अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है भाई सामने, सबकी यहीं खड़ी है। इधर देख तो बाकी इधर खड़ी है। अभी तो माहौल क्या है, वो हैपनिंग है बट होएगा भी धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा होएगा। लाइटिंग देखो सबकी जल चुकी है। ये देखो भाई ऐसे पुल बना रखे हैं यार। काम चलाओ जुगाड़ भाई साहब, हट जाओ। देख रहा हटी ना रहा, हटी ना रहा। बाकी भाई अपना कैंप वहाँ है, कैंप में जा रहे हैं अभी। भाई हम कैंप के अंदर घुसते हुए फिर हम नहाएंगे स्विमिंग पूल में। अभी इसमें नहाए थे हम थोड़ी देर पहले। ये हमारा कैंप है, ये गाने चल रहे हैं। तो भाई ये अपना कैंप है, कॉपीराइट आ सकता है इसलिए कम बोलूँगा। ये अपना कैंप है, इधर स्विमिंग पूल है, सारा बढ़िया सिस्टम बना रखा है। इधर लोग बाग बैठे हैं। पीछे अपना कमरा ये वाला, ये कमरा भी लास्ट में दिखाऊंगा। और ये अभी स्नैक्स लग चुके हैं यहाँ पर, तो अभी कॉपीराइट के लिए मादा गया यार, बाद में मिलता हूँ आपसे। तो भाई ये नज़ारा है रात का, देख लो लोग बाग अपना बैठे आराम से टाइम पास कर रहे हैं। हाँ भाई कहने चल रहे हैं, कॉपीराइट का डर रहेगा। खेल रहे हैं उधर कुछ, स्विमिंग पूल में भी डुबकी लगा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया सिस्टम हो रखा है, एक नंबर। और अपना एंजॉयमेंट चल रहा है, सामने स्क्रीन लगा रखी है और आईपीएल चल रहा है, अपना मैच देख रहे हैं। बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। हमारे बैठे ये बैठे हैं ना, इनमें कैंप के ओनर है तो वो भी यहीं बैठे हैं। देख रहे हो भाई कैसे एंजॉयमेंट चल रहा है यहाँ, फुल मजे में। ओए ओए किसको ज्यादा काबू करना पड़ता है नाच। तो ये जो कैंप है भाई ये सीजनेबल होता है, तो मैं ये मेरे को कोई गाली मत देना कमेंट में कि तूने इतना बताया था और ये इतना हो गया। तो भाई जो ये कैंप है ना, इनका ये रहता है कि सीजन के हिसाब से फ्लैक्चुएट होते रहते हैं रेट। हमें जो पड़ा है, हमें पड़ा है 1500 रुपये का, और 1500 रुपये में ब्रेकफास्ट लंच डिनर और बीच में जो शाम का स्नैक्स होता है वो। और अगर आप आओ, आपको थोड़ा ऊपर नीचे पड़ेगा, तो ये मत कहना कि भाई तूने 1500 बताया था, हमें 1800 का पड़ा है, 2000 का पड़ा है। तो भाई ये रेट जो है ना ये फ्लैक्चुएट होते रहते हैं ऊपर नीचे। हाँ तो उस चीज़ की मैं गारंटी नहीं लेता। बाकी टोनी भाई का एक कैंप है, अपने भाई हैं और मतलब रिश्तेदारी में कोई है तो उनके दोस्त हैं। बाकी टोनी भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। भाई मेरा नाम है गौरव। अच्छा कहाँ से हो भाई? भाई मैं बागपत। बागपत से, मतलब भाई ये मान लो अपना देसी भाई है ये भी। हाँ भाई। और ये भाई इनके गैला रखे हैं, सारे बागपत है ये। बागपत में पड़े कस्बा खेगड़ा। खेगड़ा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के हाईवे में। हां बोर्ड लगा रहा है खेगड़ा। हां और सब जाने हैं आवाज तो भाई। तो भाई ये अपने देसी भाई हैं, कति लोकल ही है यहाँ के अपने, मतलब हरिद्वार ऋषिकेश के लोकल ही लगा लो एक तरीके से, क्योंकि मेरठ आ रहा पड़ा है, मुजफ्फरनगर, ये सारा वही बेल्ट पड़ा है पूरा। चुरा लो 500 में मेरी मम्मी, 500 में चुरा लो। सगा
भाई मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ जहाँ हमने खाना खाया था ना, वो जगह दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से ऐसे करके जाते हैं, यहाँ हमने खाना खाया था, ये है किचन, यहाँ सारे बंदे खाना खाते हैं। ये हम पहुँच के, ये है किचन एरिया, ठीक है, यहाँ पे सारा सिस्टम मिलता है। अब खाने लगने की तैयारी हो चुकी है, डिनर। ये है भाई किचन, यहाँ के है सैफ, देख लो भाई, यहाँ पे पंखे पंखे सब चीज़ लग रखी है। इस टाइम